वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल एसए मीन सक्सेस। आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है रवि जांगड़ा। ठीक है भाई, तो आपकी क्लास शुरू हो रही है। इस क्लास में मेनली आज मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, आज का जो टॉपिक हमारा है उस टॉपिक का क्या नाम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, और जैसे पहले पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ये भी मैंने आपको करवाने हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको अलग एक वीडियो में इस तरह से ही करवाऊँगा। इससे पहले मुहावरे लोकोक्तियाँ भी करवा चुका हूँ ना, PDF दी थी मैंने, तो वो लर्न कर लीजिएगा, वो आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे भाई, सारे याद कर लीजिएगा वो। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, और आज की क्लास का टॉपिक क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाई। ठीक है, टॉपिक का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस तरह के तरह से आपने याद करना है। देखिए, जैसे मैंने बोला अनुचित बात के लिए आग्रह, आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ऑप्शन वाइज आएगा। ठीक है, इस तरह से कोई स्टेटमेंट दे रखी होगी और ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा ये वाली लाइन, अनुचित बात के लिए आग्रह है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ दे दिया, फिर उसमें ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कहीं दुराग्रह लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, तो आपको ऑप्शन क्लिक करना होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ओके, क्लियर हो रही है बात? तो ऑप्शन वाइज हमें इसमें से देखना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है यहीं से, वो आपका स्पेलिंग बेस होता है। ठीक है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी स्पेलिंग है वो सही है, वो भी यहीं से बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड इसमें ऐसे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जो आपके लिए क्या है भाई, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, दो तीन तरह से मैंने बताया कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या क्या दिए हैं PDF के अंदर, वो PDF मैं आपको दे ही दूँगा। ओके, जैसे मैंने अनुचित बात के लिए आग्रह, तो उसको क्या कहते हैं, दुराग्रह करना। ठीक है, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात कहलाता है। ठीक है, अपनी हत्या स्वयं करने वाला क्या कहलाता है, आत्महत्या। ठीक है, रैंडमली मैं से बोल रहा हूँ, वैसे आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। ठीक है, अपनी हत्या स्वयं करना, आत्महत्या करना। ठीक है भाई, सुंदर स्त्री रूपसी कहलाती है। ठीक है, आकाश में उड़ने वाला नभचर कहलाता है। तो इस तरह से इसमें सेंटेंस बनेंगे, आशा से अधिक आशातीत कहलाता है, आंखों के सामने प्रत्यक्ष। ठीक है, परिवार के साथ सहपरिवार, आशा से अतीत अधिक होना। ठीक है, आशातीत होना, आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है, अवश्य होने वाला अवश्यम भावी। ठीक है, अत्यधिक वृष्टि अतिवृष्टि, अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी, यानी जिसको सिर्फ अपने ऊपर अपने जो शक्ति है उस पर पूरा भरोसा है, अचानक हो जाने वाला आकस्मिक कहलाता है, आगे का विचार करने वाला अगर सोची कहलाएगा, आड़त का व्यापार करने वाला आड़तिया। ठीक है, आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि। ठीक है, अधिकार में आया हुआ अधिकृत, अन्य से संबंध रखने वाला अनन्य। ठीक है, अभिनय करने योग्य अभिनय कहलाएगा, अभिनय सॉरी। ठीक है, स्त्री होगी तो अभिनेत्री, पुरुष होगा तो अभिनेता, ये तो पता ही होगा।
अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव किसी में है तो वो क्या कहलाता है? अविवेक। जिसमें विवेक की कमी है, विवेकशील नहीं है कोई इंसान। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, अंश दान करना। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय है। ठीक है भाई। आत्मा व परमात्मा का द्वेत, अलग अलग होना। ठीक है। अल्प वेतन भोगने वाला या पाने वाला, उसे कहेंगे अल्प वेतन भोगी। ठीक है, क्या कहलाएगा? अल्प वेतन भोगी। अध्ययन का काम करने वाला, अध्येता, पढ़ने वाला जिसे बोलते हैं। ठीक है। अध्यापन का कार्य करने वाला, अध्यापक। आग से जुलसा हुआ, अन लगद। अपने प्राण आप लेने वाला, आत्मघाती। आदि से अंत तक, आद्योपान्त। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, इच्छाचारी। पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, ओहार। अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, कीकृत, वेमूड। ठीक है। देख रहे हो कितने, मतलब वर्डिंग जो मैंने चुनी है वो आपकी स्पेलिंग का क्वेश्चन भी कवर कर रही है। ठीक है। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला, प्रश्न। दंड संहिता, यानी जिससे हम अपराध के ऊपर बताया जाता है कि उसमें कितना दंड जो है वो उसका क्या रूल होगा, किस तरह से पनिशमेंट मिलेगी, उसे दंड संहिता बोलते हैं। एक बुक होती है जिसमें ये बताया जाता है कि जो अगर इस तरह का अपराध किया गया है तो उस पर क्या दंड दिया जाएगा। ठीक है। तो निर्धारित करने वाली जो बुक है या प्रश्न है उसे दंड संहिता बोलते हैं। अभी अभी जन्म लेने वाला, नवजात कहलाता है। ठीक है। अपना हित चाहने वाला, स्वार्थी है। अपने देश से प्यार करने वाला, देशभक्त है। ओके। आँख की बीमारी दृष्टि दोष कहलाती है। आँखों के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो होता है। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची होता है भाई। ठीक है। अविवाहित लड़की, ओके, कुमारी कहते हैं। ओके। तो दैट मीन्स आप क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। ओके। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर रही। ठीक है, लाइक कर दे। ओके। तो इसी तरीके से हमें सारे के सारे जो आपके वन वर्ड वाले टॉपिक है ना, जो एक वर्ड में ही कंप्लीट होते हैं, वो हम इस तरीके से कवर करेंगे। ओके। तो सारे के सारे टॉपिक जो है वो ऐसे कवर हो जाएंगे। एंड आपके जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, अलंकार हो गया, रस का टॉपिक हो गया, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय का टॉपिक हो गया, ये हम ऐसे क्लासेस वाइज भी उसको भी करेंगे। ठीक है। एक बार आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। हिंदी की और इसी तरह से इंग्लिश की। ठीक है। वैसे भी इंग्लिश की प्रैक्टिस तो हो ही रही है आपकी, डेली क्लासेस हो रही है ना 2-3 दिन से, तो प्रैक्टिस क्लास में आप डेली आओ तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहाँ से भी हो रही है। और अगर क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं उसका प्रोसेस मैंने बताया है। ठीक है। एक वीडियो बनाई है, मैं बनाई गई है, उस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो किस तरीके से आप मॉक टेस्ट का जो है वो लगाओगे। ओके भाई। किस तरह से लगाना है वो आपको वहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वही आपका जितनी भी PDFs हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएंगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है। तो सारे की सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर आती हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ऐड करें, ज्वाइन हो जाए। और अगर कोई ज्वाइन नहीं हुआ है अभी तक, तो आप सिंपली टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कमेंट में लिख देंगे,
तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। ओके भाई, तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्लास आज हमारी यहीं तक है, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक करके जाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सारी वीडियोस को लाइक कर दें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।